जी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे ओपन ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एंड्रॉयड ओपन ऑफिस। और जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, आपका ओपन बटन एक्टिव हो जाएगा। इस आइकन को ध्यान में रखें, इस आइकन को ही आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद ओपन पे क्लिक करने से आपका बिल्कुल ये ओपन ऑफिस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये तीन बेसिक एप्लीकेशन जो क्लास 9th और 10th में भी पढ़ना है, ये आपको यहाँ से प्रैक्टिस इस चीज़ को अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं राइटर ओपन करके आपको दिखाती हूँ। जैसे ही हमने राइटर पे क्लिक करा, यहाँ देखिए पूरा का पूरा, जैसे आप किसी इमेज को जूम कर सकते हैं या फिर जूम आउट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर इसके वर्क स्पेस एरिया को भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और साथ में एक नीचे की साइड में बॉटम पे देखेंगे एक माउस एंड कीपैड बना हुआ है। यहाँ पर माउस पे क्लिक करने से आप पूरे माउस के फीचर्स को अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल की, लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन के ऑप्शंस दिए गए हैं। साथ में कुछ ब्लैंक स्पेस एरिया है जहाँ फिंगर की मूवमेंट से आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ देखा होगा आपने कि फाइल पे मेरा एट प्रेजेंट अभी जो मेरा कर्सर है माउस का, वो फाइल मेन्यू पे है। मैं अपने फिंगर के मूवमेंट से इस चीज़ को मूव कर रही हूँ। और जितने भी ऑप्शंस फाइल मेन्यू के अंदर अवेलेबल हैं, न्यू हैं, ओपन हैं, तो ये सारे फीचर्स आप बिल्कुल इस तरीके से यूज कर सकते हैं माउस के थ्रू बाय अ क्लिक। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम माउस को कितना इजी वे में यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ अगर मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ, अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है आपको तो कीपैड पे जाएं और यहाँ पर लिख दें जस्ट फॉर एग्जांपल हेलो। तो इस तरीके से आप इस यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करें, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, बस सिंपल माउस का यूज़ करें और वहाँ पर टेक्स्ट कर्सर को रखने के बाद ड्रैग कर दें। लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और टेक्स्ट के ऊपर आपको माउस को ड्रैग कर देना है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेलेक्टेड टेक्स्ट पे आपको प्रेस करने से, एक बार प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये सारे ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो रहा है। यहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, और भी फॉन्ट अगर चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कोई किसी दूसरे फॉन्ट स्टाइल पे चेंज करके आप क्लिक करके दिखाती हूँ। इसके साथ ही आपको क्या और भी आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं साइज चेंज करके दिखाती हूँ, साइज में मैं ले लेती हूँ 36। यहाँ देखिए इस तरीके से आपने साइज भी चेंज कर लिया। और क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ, केस कैरेक्टर्स, केस में आप कैपिटलाइज ईच वर्ड भी, यही चूँकि एक ही वर्ड है, यहाँ पर मैं केस कैरेक्टर में अपर केस करके दिखाती हूँ। केस कैरेक्टर्स अपर केस, यहाँ देखिए अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है ये सारा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग एंड राइटिंग वर्क भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने से आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने से आपको यहाँ पर जैसे जैसे आप इस चीज़ को बिल्कुल अचानक से नहीं कर सकते, एक से दो बार प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी कन्वीनियंटली आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। और अगर इस ऐप से एग्जिट होना है तो आपको फाइल में जाना है और यहाँ पर आपको एग्जिट पे क्लिक करना होता है। अगर आपको सेव करना है तो सेव बटन पे क्लिक करें, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दें। बताती हूँ कि कैसे हम कैल्क के ऑपरेशंस को, कैल्क के फंक्शंस को अपने मोबाइल सिस्टम में कर सकते हैं एंड्रॉयड ओपन ऑफिस में। तो आइए स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको करना है जैसा कि हमने राइटर में देखा था, नीचे की ओर बॉटम में आप देख रहे होंगे सर्च बटन के साथ में ही आपका न्यूमेरिक कीपैड, माउस एंड कीबोर्ड है। यहाँ से आप वैल्यूज़ जो भी आप अपने सेल है उस सेल में वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं माउस के हेल्प से आप
जैसे हमने राइटर में देखा था माउस को यूज़ कर रहे थे, आप वैसे ही इस चीज़ को, सेम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक सिंपल फार्मूला लेके आपको वैल्यू को देख बताती हूँ कि कैसे हम सम और भी फार्मूलाज कैसे हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वैल्यूज़ को पहले डाल लें और इसके बाद आपका जो फार्मूला होता है इस चीज़ को एंटर करें। यहाँ पे इक्वल टू सम पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आपको या तो आप सेल एड्रेस खुद से भी मैनुअली भी दे सकते हैं और या तो आप रेंज के थ्रू भी दे सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप सेल का एड्रेस दें तो कैपिटल इसे लिखिए, पैरेंथेसिस को क्लोज करें और एंटर की, और यहाँ पे देखिए 60, जो कि इस तरीके से आपने सम का फार्मूला फाइंड कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। और भी आप ऑपरेशंस हैं, आप इस चीज़ को बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट वे में विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड आप कर सकते हैं। और आइए अब इस चीज़ से एग्जिट होके इम्प्रेस को देखते हैं हम। एग्जिट डिस्कार्ड ये प्रेजेंटेशन जो कि इम्प्रेस भी कहलाता है, आइए इस पर क्लिक करते हैं। और प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखिए इम्प्रेस का इंटरफेस आपका ओपन हो चुका है, जैसा कि आप हम लैपटॉप में देखा होगा, हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखा है, बिल्कुल सेम इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट आप करके एक प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में पूरा स्लाइड्स दिखेगा आपका, और यहाँ पर इसका कंटेंट, स्लाइड का कंटेंट जो भी अगर आपका चेंजेज है तो इस तरीके से आप चेंजेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये माउस की हेल्प से आप यहाँ भी ऑप्शंस को मेन्यू बार में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कितना ईजी वे में आप न्यू स्लाइड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा कि कैसे हम ओपन ऑफिस को अपने मोबाइल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिस्कार्ड कर देती हूँ।